कोडरमा लोकसभा का भी चुनाव है और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में ही गांडे विधानसभा का भी उपचुनाव है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, हमें इस लोकसभा क्षेत्र से श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को फिर से हमें यहां से सांसद बनाना है ताकि भारत सरकार में फिर से वो मंत्री बने। और साथ ही मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि गांडे विधानसभा का उपचुनाव को भी हम सबको जीतना है, क्योंकि यह उपचुनाव हमें जीतना और उसके बाद झारखंड को भी जीतना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं खड़ा हुआ। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में पिछले 10 वर्षों से सरकार चल रही है और इन 10 वर्षों में गरीबों के लिए काम किया, गाँव के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। अगर एक एक काम को गिनाने तो लंबे समय लगेगा, लेकिन इतना आप जान लीजिए, गरीबों को घर भी देने का काम किया। और घर तक ही नहीं, घर में चूल्हा हो, गैस कनेक्शन हो, और साथ साथ उनको गैस कनेक्शन, चूल्हा और घर के साथ साथ ताकि वो कोई व्यक्ति भूखे नहीं रहे। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री इस देश के गरीब जनता को प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं ताकि हर गरीब कोई भूखे नहीं सोए, इसकी भी वो चिंता करते हैं। गरीब जब बीमार हो जाए तो बीमार होने पर अच्छे अस्पतालों में वो गरीब भी इलाज करा सके। और इसके लिए आयुष्मान योजना के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 लाख रुपया तक की जो बीमा कराई है ताकि हर गरीब अच्छे से अच्छे अस्पतालों में 5 लाख रुपया तक के इलाज के लिए इलाज करा सके। और इसीलिए मैं कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए घर की चिंता करते, घर में गैस चूल्हा की चिंता करते, खाना बने, गरीब भूखे नहीं रहे उसके चिंता करते, गरीब जब बीमार हो तो उनकी दवा की भी चिंता करते, इलाज की भी चिंता करते। और जो प्रधानमंत्री इतनी गरीबों की चिंता करते हैं तो वैसे प्रधानमंत्री को हमें 2024 में फिर से देश के प्रधानमंत्री बनाना, यही निवेदन और यही अपील करने के लिए खड़ा हुआ। और इस झारखंड प्रदेश में जिन लोगों की सरकार चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, मैं कहता हूं कि ये लोग झारखंड के विरोधी है, ये सारे के सारे लोग विकास के भी विरोधी है। अब याद करिए, इस देश में कांग्रेस पार्टी ने तो 50, 55, 60 साल तक राज किया, लेकिन झारखंड राज नहीं बनाया। झारखंडियों की भावनाओं का कभी उन्होंने सम्मान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, 98 और 99 में 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज बना। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो दले एनडीए अलायंस के नेता लोग हैं, ये झारखंड के विरोधी हैं, झारखंड वासियों के विरोधी हैं, विकास के भी ये लोग विरोधी हैं। अब याद करिए, पहले हम लोग गाँवों में कैसे रहते थे, हाट बाजार जाना पैदल होता था, मेला जाना पैदल होता था, कोर्ट कचहरी जाना दूर दूर से पैदल जाना पड़ता था, यहाँ तक कि बच्चे भी स्कूल जाना पैदल जाना पड़ता था। और कोई पेशेंट कहीं गांव में लोग बीमार हो जाए तो वो भी अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते थे, डॉक्टर भी गांव तक नहीं पहुंच पाते थे। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने कभी चिंता नहीं की गांव तक भी सड़क होना चाहिए, लेकिन देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, गांव तक सड़कें पहुंच गई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री बने, घरों तक बिजली पहुंच गई। आप तो लालटेन और करासन तेल भी लोग भूल गए। अगर देश में विकास की रोशनी को किसी ने कोई पहुंचाया है गांव घरों तक, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूँ, जो लोग विकास के विरोधी हैं, जो लोग झारखंड के विरोधी हैं, उन लोगों को इस बार फिर से यहां से विदा करनी है। यही मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं। झारखंड की जनता ने पहले ही यहां पर 12 सीटें एनडीए गठबंधन को दिया है, इस बार ये 12 नहीं 14 के 14 हमें जीतना है और साथ ही गांडे विधानसभा के उपचुनाव को भी जीतना है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं, इस बार आप सवेरे उठ करके चाहे कितनों भी गर्मी क्यों ना हो,
आप सवेरे उठ करके पोलिंग बूथ में पहुंचिए, पहले मतदान करिए, फिर जलपान करिए। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं। और इस बार रिकॉर्ड मतों से यहां से अन्नपूर्णा देवी जी को हमें जिताना है, रिकॉर्ड मतों से यहां दिलीप वर्मा जी को गांडे विधानसभा के उपचुनाव से जिताना है। यही निवेदन और यही अपील के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन पीडीएफ। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18th अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in